जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास एट एनसीईआरटी मैथ्स न्यू कोर्स की चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज 2.2। तो ऑलरेडी चैप्टर वन और चैप्टर टू के एक्सरसाइज 2.1 इस चैनल में मैंने अपलोड कर दिया, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास एट। ठीक है, तो देखिए अगर आपने 2.1 नहीं देखी ना तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि 2.1 में ये जो लीनियर इक्वेशन है ना इस पर डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए समझने में बहुत इजी होगी। ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज 2.1 आपने समझ लें तो 2.2 भी आप आराम से कर पाएंगे, वरना 2.2 सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, इन सब लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशंस क्या है, तो इन सब मैंने डिटेल्स बताया एक्सरसाइज 2.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन नंबर, एक्स बाई टू माइनस वन बाई फाइव इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई फोर। यहाँ देखिए फ्रैक्शन टाइप की है ना, तो पहले देखिए वेरिएबल टर्म को हम इकट्ठा कर लेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में इकट्ठा करेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को राइट साइड में। तो ये एक्स बाई टू वेरिएबल टर्म है, तो इम्प्लाइज एक्स बाई टू, और इस साइड में देखिए एक्स बाई थ्री है। देखिए इस साइड से हम इस साइड में लाएंगे, यहाँ बीच में इक्वल साइन है ना, तो इस साइड में वो पॉजिटिव है, तो इस साइड में लाया जाए नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स बाई थ्री हो जाएगी। ठीक है, साइड चेंज के साथ साइन भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, राइट साइड में ऑलरेडी 1/4 कॉन्स्टेंट है और लेफ्ट साइड में -1/5 कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट तो राइट साइड में इकट्ठा करना ना, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगी 1/5। ठीक है, अब देखिए 2/3 की एलसीएम, ये तो फ्रैक्शन है ना, तो डिनोमिनेटर की एलसीएम ना 2^3 = 6 है। अब देखिए यहाँ एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 3 × x 3x माइनस 2 × x 2x इज इक्वल टू, इन दोनों के भी एलसीएम चाहिए तो 4 × 5 = 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 5 × 1 = 5 है प्लस 4 × 1 = 4 है। अच्छा देखिए, इम्प्लाइज 3x − 2x 1x मतलब x डिवाइडेड बाई 6 है इज इक्वल टू 5 + 4 = 9 है, 9/20 है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, यहाँ इक्वल साइन है ना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो इम्प्लाइज 20 × x 20 x है इज इक्वल टू 6 × 9 = 54 है। अच्छा तो इस साइड में कर लेते हैं, इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए तो x की कोएफिशिएंट 20 है, तो x इज इक्वल टू, ये जो 20 है x की कोएफिशिएंट 54 के नीचे ले आना, तो 54/20। अब देखिए काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 × 10 = 20 और 2 × 27 = 54, तो इज इक्वल टू 27/10 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/10, x की वैल्यू 27/10 आ रही है। नेक्स्ट टू नंबर देखिए, (n/2 − 3n/4 + 5n/6 = 21), तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड के सब टर्म्स वेरिएबल टर्म है और राइट साइड में ओनली एक ही टर्म है कॉन्स्टेंट, वो 21 है। तो इम्प्लाइज आप देखिए 2, 4 और 6 की एलसीएम लेना, तो सब की एलसीएम 12 है। आप देखिए 12 में 2 कितने बार है, 6 times है, 6 बार है, तो इसी 6 से इसके न्यूमरेटर को इंटू करना, न्यूमरेटर में n है तो 6 से इंटू करना, 6 × n = 6n, बीच में साइन माइनस है, माइनस 4 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 से इसको इंटू करना, तो 3 × 3 = 9 × n = 9 है, बीच में साइन प्लस है प्लस, 6 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 × 5 = 10 × n = 10n इज इक्वल टू 21। तो यहाँ हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, 6 + 10 = 16 है, 16n − 9, तो 16 − 9 = 7 है, तो 7n/12 इज इक्वल टू 21, तो इम्प्लाइज 7n इज इक्वल टू प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, इसके नीचे तो 1 है ना, तो 1 × 7n = 7n इज इक्वल टू 12 × 21, तो देखिए 12 × 21 ऐसे ही गुना मत करना,
देखिए इम्प्लाइज एन की वैल्यू चाहिए, तो एन इज इक्वल टू, ये तो एक ही नंबर ना, 12 इंटू 21 एक ही नंबर है, 12 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, ये जो एन के कोएफिशिएंट 7 है नीचे ले आना, डिनोमीटर में आ जाएगा। आप देखिए आराम से काट देना, 7 3 जार 21 और 3 12 जार 36 है, तो देयर फोर एन इज इक्वल टू 36, एन की वैल्यू क्या 36 आया। अब नेक्स्ट थ्री नंबर देखिए, एक्स प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x बाई 2, तो जितनी जहाँ जहाँ x है, मतलब x वाले टर्म जो है ना x साइड कर लेना, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी x है और यहाँ माइनस 8x बाई 3 है और इस साइड में देखिए माइनस 5x बाई 2 है, तो इस साइड में ले आना तो प्लस होगी, प्लस 5x बाई 2 है। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स राइट साइड में ले आना, तीनों टर्म्स वेरिएबल है लेफ्ट साइड में आ गई, राइट साइड में ऑलरेडी 17/6 है और लेफ्ट साइड में देखिए प्लस 7 है या कांस्टेंट, तो राइट साइड में लाया जाए तो माइनस 7 होगी, मतलब साइड चेंज हो रही है ना, तो साइन भी चेंज करनी पड़ेगी। इम्प्लाइज आप देखिए एक्स के नीचे तो 1 है ना, 1 हम लिख सकते हैं ना, ऐसे ही लिख सकते हैं, तो देखिए 1 3 2 सब की एलसीएम क्या है, 3 2 6 है, आप 6 में देखिए 1 6 बार है, तो 6 इंटू एक्स 6x, साइन माइनस है, 3 कितने बार है, 2 बार है, 2 इंटू 8 2 8 जर 16 इंटू एक्स 16x, बीच में साइन प्लस है प्लस। अच्छा फिर से देखिए 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 5 जर 15x होगी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 7 के नीचे तो 1 है ना, तो 6 और 1 के एलसीएम में वही 6 है, तो 1 इंटू 17 17 माइनस 6 7 जर 42 है, ठीक है। इम्प्लाइज आप देखिए 6x और 15x ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो 6 प्लस 15 21 है, 21 माइनस 16 है, 16 निगेटिव है, तो 21 माइनस 16 क्या है, 5 है, तो ऊपर देखिए 5x डिवाइडेड बाई 6 है इज इक्वल टू 17 माइनस 42, तो देखिए दो नंबर्स है 17 और 42, दोनों में एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या करना, हमेशा डिफरेंस निकल लेना, यानी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना, तो 42 माइनस 17 है, तो 1 बड़ा करना 12 माइनस 7 5 है और यह 3 बचा 3 माइनस 1 2 है, 25 आया। आप देखिए बड़ा नंबर के साइन निगेटिव है तो निगेटिव 25 हो गया, तो ऊपर देखिए माइनस 25 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 6 है। अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा दूसरा एक रूल देखिए, इसके नीचे भी 6 इसके नीचे भी 6 है, तो 6 से 6 काट सकते हैं, यहाँ इक्वल साइन होनी चाहिए भाई, इक्वल साइन होनी चाहिए, तो देखिए इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25 है। अच्छा इस साइड में कर लेते हैं, तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 5 है, माइनस ऑफ 25 अपन 5 है इज इक्वल टू 5 5 जार 25, तो देखिए डिविडेंड और डिविजर दोनों में से एक निगेटिव है, तो ये जो क्वेश्चन आएगी वो भी निगेटिव होगी, तो 5 5 जार 25 ना, तो माइनस 5 होगी, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, क्या बात है। अब नेक्स्ट फोर नंबर देखिए, एक्स माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई 5, तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ दोनों ही वेरिएबल टर्म्स हैं और इनमें से कांस्टेंट टर्म्स अलग करनी पड़ेगी, तो कैसे देखिए, अच्छा तो एक बीच में इक्वल साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 5 से इन दोनों को इंटू करनी पड़ेगी, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 है, तो इसके मतलब एक्स माइनस 5 को 5 से इंटू करना इज इक्वल टू 3 से इन दोनों को, मतलब एक्स माइनस 3 को, तो आप देखिए इम्प्लाइज 5 इंटू एक्स 5x माइनस से माइनस 5 5 जार 25 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस से माइनस 3 3 जार 9 है। इम्प्लाइज आप देखिए वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म, तो 5x इस साइड में नेगेटिव पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव 3x इज इक्वल टू, अब देखिए राइट साइड में माइनस 9 है कांस्टेंट, माइनस 9 और लेफ्ट साइड में माइनस 25 है कांस्टेंट, तो राइट साइड में इसको लेना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा प्लस 25, ठीक है, तो इम्प्लाइज 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू, अच्छा माइनस 9 प्लस 25 मतलब 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 क्या होगी 16 होगी,
क्या होगी 16 होगी। अच्छा देखिए इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट 2 है, तो इज इक्वल टू 2 8 16 8 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। इजी ना, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस t, तो यहाँ t वाले जितने सारे टर्म्स है लेफ्ट साइड में ले आना, तो इम्प्लाइज 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये भी t वाला टर्म है ना, माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ देखिए ये अकेला t है माइनस t है, तो इस साइड में ले आ जाए तो प्लस t होगी, इज इक्वल टू ओनली कॉन्स्टेंट टर्म 2 बाई 3 है। अच्छा यहाँ से भी कांस्टेंट निकल आएगी, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए यहाँ टी के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, टी के नीचे एक 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 1 हो सकती है ना एज अ डिनोमिनेटर, तो 4 और 3 की एलसीएम, तो 4 3 इज 12 एलसीएम होगी। अच्छा 12 में 4 तीन बार है, तो 3 से इसके ऊपर न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 3 × 3t − 2, बीच में साइन माइनस है। अच्छा 3 कितने बार है 12 में, 4 बार है, तो 4 से इसके ऊपर न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 4 × 2t + 3 है। अच्छा यहाँ बीच में साइन प्लस है, 1 12 में कितने बार है 12 बार है, 12 टाइम्स है, तो 12 × t 12t है, इज इक्वल टू 2 बाई 3 है। अच्छा आप देखिए इम्प्लाइज इसको एक्सपांड कर देना, 3 × 3 3 × 3 9 × t 9t, माइनस 3 × 2 = 6 है। अच्छा फिर से देखिए माइनस है, 4 × 2 = 8 × t 8t, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12, अच्छा प्लस 12t डिवाइडेड बाय 12 है, इज इक्वल टू 2 बाई 3 है। अच्छा अब यहाँ से टी वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म फिर से अलग कर देना, तो इम्प्लाइज देखिए 90 − 8t + 12t, तो 9 और 12 पॉजिटिव है, तो 9 + 12 ये दोनों पॉजिटिव है और 8t निगेटिव है, तो 9 + 12 कितने हैं 21 है, तो 21 से 8 माइनस कर देना, 21 से 8 माइनस करने से 13 आएगी, तो 13t आ रही है, तो 13t। अच्छा −6 − 12 −18 होगी, −18 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 12 है, इज इक्वल टू 2 बाई 3 है। अच्छा इस साइड में कर लेते हैं इम्प्लाइज, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अच्छा इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, 13t − 18 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2 बाई 3, और यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इम्प्लाइज आप देखिए 13t − 18 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करना, 3 × 13 39t है, −3 = 54 इज इक्वल टू 2 × 12 = 24, तो इम्प्लाइज 39t इज इक्वल टू 54 को इस साइड में ले आना, तो यहाँ ऑलरेडी 24 है, तो 24 + 54, तो दोनों को ऐड कर देना, तो 4 + 4 = 8 है और 2 + 5 = 7 है, 78, ठीक है, तो डायरेक्ट 78 लिख देना, तो इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 78 अपन क्या है 39 है, तो 39 × 2 = 78, ठीक है, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2, टी के वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, m − 1/2 इज इक्वल टू 1 − m − 2/3, तो देखिए m वाले टर्म्स लेफ्ट साइड में ले आना, तो इम्प्लाइज यहाँ m है ना, तो m को हम m/1 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस m − 1/2 है,
और इस साइड में देखिए माइनस एम माइनस टू बाई थ्री, तो ये देखिए पूरा एक टर्म है, तो इस साइड में ले आना क्योंकि ये एम वाला टर्म है, तो प्लस होगी, हम निगेटिव है, इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगी, प्लस एम माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री है। अच्छा इज इक्वल टू, राइट साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव वन है, देखिए ये राइट साइड में है तो वन, ठीक है। इम्प्लाइज अब देखिए टू ओवर थ्री के एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम सिक्स होगी, सिक्स में वन सिक्स टाइम्स है, तो सिक्स इंटू एम सिक्स एम, माइनस टू कितने बार है, तीन बार है, तो तीन से इसको इंटू करना, तो थ्री इंटू एम माइनस वन, बीच में साइन प्लस है, प्लस। अच्छा तीन छः में कितने बार है, दो बार है, तो टू से एम माइनस टू को इंटू करना, टू इंटू एम माइनस टू इज इक्वल टू वन। अच्छा इम्प्लाइज इसको एक्सपांड कर देना, सिक्स एम माइनस थ्री इंटू एम थ्री एम माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू वन थ्री है, प्लस टू इंटू एम टू एम प्लस माइनस माइनस टू इंटू टू फोर है, डिवाइडेड बाय सिक्स है इज इक्वल टू वन है, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज सिक्स एम माइनस थ्री एम प्लस टू एम, तो देखिए सिक्स एम प्लस टू एम एट एम, एट एम माइनस थ्री एम फाइव एम, फाइव एम, ठीक है। अच्छा कॉन्स्टेंट देखिए प्लस थ्री माइनस फोर, प्लस थ्री माइनस फोर यानी कि फोर माइनस फोर प्लस थ्री, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, फोर माइनस थ्री वन है, और बड़ा नंबर के साइन नेगेटिव तो नेगेटिव वन हो गए, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई नीचे सिक्स है इज इक्वल टू, यहाँ वन है ना, तो इज इक्वल टू वन है। अच्छा इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो इसके नीचे वन है, वन के नीचे तो वन हम लिख सकते हैं, तो वन इंटू ए फाइव में फाइव एम माइनस वन इज इक्वल टू वही फाइव एम माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स इंटू वन सिक्स है। अच्छा इम्प्लाइज इस वन को इस साइड में ले आना, तो फाइव एम इज इक्वल टू राइट साइड में ऑलरेडी सिक्स है, सिक्स है, और लेफ्ट साइड में माइनस वन है ना, तो राइट साइड में ले आ जाए तो प्लस वन हो गया, क्योंकि ये जो माइनस वन है ये कॉन्स्टेंट है। इम्प्लाइज फाइव एम इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन सेवन है, तो इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू सेवन अपन फाइव है, तो देयर फोर एम की वैल्यू क्या आ रही है, सेवन बाई फाइव आ रही है, इजी ना, बहुत इजी। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, थ्री इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटू टू टी प्लस वन, तो बहुत इजी है। इम्प्लाइज थ्री से इन दोनों को इंटू करना, थ्री इंटू थ्री थ्री टी माइनस थ्री थ्री जार नाइन है इज इक्वल टू फाइव टू जार टेन इंटू टी टेन टी प्लस है फाइव वन जार फाइव है। इम्प्लाइज थ्री टी और ये जो टेन टी है इस साइड में ले आना, तो माइनस टेन टी इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव फाइव है और इस साइड में निगेटिव नाइन है, तो इस साइड में लाया जाए तो प्लस नाइन हो गए, क्योंकि नाइन और फाइव कॉन्स्टेंट है। इम्प्लाइज थ्री टी माइनस टेन टी क्या है, देखिए टेन टी निगेटिव है, तो टेन माइनस थ्री सेवन है, सेवन टी है, तो बड़ा नंबर के साइन निगेटिव है, तो निगेटिव सेवन टी इज इक्वल टू फाइव प्लस नाइन फोर्टीन है, तो इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू फोर्टीन अपन माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन टू जार फोर्टीन, देखिए दोनों में एक निगेटिव है तो क्वेश्चन निगेटिव है, तो देयर फोर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, तो टी की वैल्यू क्या है, माइनस का टू आया, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन देखिए, फिफ्टीन इंटू वाई माइनस फोर माइनस टू इंटू वाई माइनस नाइन प्लस फाइव इंटू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि सॉल्यूशन में तो वही क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने पड़ती है ना, तो अलग से क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, तो जैसा कि आप एग्जाम के पेपर में ऐसे करते हैं ना, अलग क्वेश्चन तो नहीं लिखने पड़ते हैं ना। अच्छा तो इम्प्लाइज फिफ्टीन इंटू वाई फिफ्टीन वाई माइनस फिफ्टीन इंटू फोर सिक्सटी है, फोर सिक्स फिफ्टीन जै सिक्सटी माइनस टू इंटू वाई टू वाई माइनस माइनस प्लस टू नाइन जार एटीन, अच्छा प्लस फाइव इंटू वाई फाइव वाई प्लस 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 फाइव सिक्स जार थर्टी है इज इक्वल टू जीरो है। आप देखिए जितने कॉन्स्टेंट टर्म्स है सब राइट साइड में इकट्ठा करना, तो देखिए लेफ्ट साइड में फिफ्टीन वाई माइनस टू वाई प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू,
अब राइट साइड में ट्रांसपोज करना, तो पहले देखिए ये कांस्टेंट है माइनस 60, तो राइट साइड में लाया जाए तो प्लस 60 होगी। यहाँ देखिए 18 है माइनस प्लस, तो माइनस 18 होगी। यहाँ देखिए 30 प्लस है तो माइनस 30 होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरो प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं। इम्प्लस 15 प्लस 5 20, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो 15 प्लस 5 20 है ना, तो 20 माइनस 2 18, तो 18 y इज इक्वल टू 60 माइनस 30 30 है, फिर से 30 माइनस 18 है तो 12 होगी, तो 12 है, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 18 है। अब देखिए 6 टू जर 12 है, 6 थ्री जर 18 है, तो इज इक्वल टू 2 बाई 3 है, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। इजी ना, बहुत इजी भाई, बहुत इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन नंबर देखिए, 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 13 - 17। तो पहले देखिए 3 से इंटू करना, 3 × 5z = 15z है, -3 × 7z = 21 है। अच्छा, -2 × 9z = 18z है, माइनस माइनस प्लस है, 2 × 11z = 22 है, इज इक्वल टू 4 × 8z = 32z माइनस 4 × 13z = 52 और यहाँ -17 है। अब वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट साइड में इकट्ठा करना, तो 15z माइनस 18z, इस साइड में पॉजिटिव 32z है, इस साइड में लाया जाए तो निगेटिव 32z होगी, इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए -52 - 17 और लेफ्ट साइड में देखिए माइनस, पहले -21 है तो +21 होगी, और यहाँ देखिए +22 है तो -22 हो जाएगी। इस साइड में हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। अच्छा, इम्प्लाइज 15z ये पॉजिटिव है, तो 15 पॉजिटिव है और 18 और 32 दोनों नेगेटिव है, तो 32 और 18, 2 + 8 10 0 के लिए बोल रहा हूँ, 3 + 1 = 4 + 1 = 5 है, 50। तो देखिए 15 - 50 है, तो 50 से 15 माइनस कर देना तो 35 आएगी, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 35, तो -35z है, इज इक्वल टू। अब देखिए कॉन्स्टेंट देखते हैं, सिर्फ 21 पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, तो नेगेटिव सब इकट्ठा करना, 52, 22 और 17, तो 2 + 2 = 4 + 7 = 11, 1 carry over 1 है, 5 + 2 = 7 + 1 = 8 + 1 = 9 है, 91 है, 91 ये नेगेटिव है और 21 पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, 1 - 1 = 0 है, 9 - 2 = 7 है, तो बड़ा नंबर की साइन लग जाएगी तो -70 है, तो -70, ठीक है। तो इम्प्लाइज जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड इज इक्वल टू -70 / -35, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो 35 × 2 = 70 है, तो देयरफॉर जेड की वैल्यू क्या आया, 2 आया। इजी ना, बहुत इजी भाई। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 0.25 × 4f - 3, यह वेरिएबल f है, इज इक्वल टू 0.05 × 10f - 9, तो यहाँ देखिए डेसिमल में है, दो तरीके है कर सकते हैं, एक तो है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और दूसरे है डायरेक्ट डेसिमल के साथ इंटू कर देना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट इंटू करना बेहतर होगी, ठीक है, टाइम सेविंग होगी, तो डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। देखिए 4 × 0.25 को अगर 4 से इंटू की जाए ना, तो 4 × 25 = 100, और दोनों में ऐसे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो यहाँ से एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट पुट होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी, तो मतलब क्या है, 1.00 मतलब 1 है, तो 1 × f हो गई, 1f यानी कि सिर्फ f हो गई, 1f मतलब f माइनस है, 3 से इसको इंटू करना, तो 0.25 × 3 0.75 हो गई, मतलब 0.75, तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 0.05 से 10 को इंटू करना, तो 0.05 10 से इंटू करना, तो 10 से इंटू करना मतलब क्या है,
10,000 ऐसे ही नंबर से अगर इंटू की जाए तो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट होगी जस्ट। तो डेसिमल पॉइंट हम इंटू कर रहे हैं ना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ देखिए राइट साइड में मूव होगी, तो कितने डिजिट मूव होगी, देखिए वन के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट मूव होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो 0.5 होगी। ठीक है, मतलब 10F से अगर 0.05 को इंटू की जाए ना, तो 0.5F होगी, 0.5F हो जाएगी माइनस से। 9 से अगर इसको इंटू की जाए ना, तो देखिए 0.05 से 9 को इंटू की जाए तो 9×5=45 है। ठीक है, आप देखिए सिर्फ तो 45 है, ये जो डेसिमल पॉइंट की इस साइड में जीरो है इसको इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो दोनों में देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, मतलब कितने डेसिमल्स है, तो इसकी डेसिमल के बाद एक दो डिजिट्स है और इसकी तो नहीं है, तो यहाँ देखिए एक्सट्रीम राइट साइड से दो डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी, तो 0.45 है, यानी कि 0.45 है, 0.45 है। अब देखिए ये एफ वाला टर्म है, ये भी तो इम्प्लाइज एफ, ये तो पॉजिटिव है ना, इस साइड में लाया जाए नेगेटिव होगी, तो 0.5F है, F माइनस 0.5F इज इक्वल टू, इस साइड में नेगेटिव 0.45 है माइनस माइनस 0.45 है, और इस साइड में कॉन्स्टेंट 0.75 है और वो नेगेटिव है, तो हम इस साइड में ट्रांसपोज कर रही है तो माइनस साइन से प्लस साइन में बदल जाएगी, तो प्लस 0.75 हो जाएगी। ठीक है, इम्प्लस आप देखिए एफ मतलब 1F, अच्छा 1F माइनस 0.5F, देखिए 1 और 0.5 0.5 माइनस करना, तो इसको लाइक डेसिमल बना देना, तो मतलब क्या है डेसिमल के बाद हम अनलिमिटेड जीरो पुट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, वही 1 ही वैल्यू होगी। आप देखिए आराम से माइनस करना, तो 0 से तो 5 नहीं होगी, इससे 1 बड़ा करना, तो इससे 1 बड़ा की जाए तो 10 होगी, तो 10 माइनस 5 5 है, यहाँ से तो बड़ा कर ली गई ना, तो यहाँ जीरो बचा, जीरो माइनस जीरो तो वही जीरो है। आप देखिए डेसिमल पॉइंट सीधा सीधे पुट कर देना, तो मतलब 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, 0.5F है। ठीक है, अच्छा तो यानी कि 1 माइनस ये 0.5 मतलब हाफ है, तो 1 से हाफ माइनस करना, मतलब 1 से आधा माइनस कर देना, तो आधा बाकी रहेगी, तो 0.5 मतलब आधा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये दोनों तो कांस्टेंट है, अच्छा देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो 75 से 45 माइनस कर देना, 5 माइनस 5 जीरो है, 7 माइनस 4 3 है, तो देखिए दोनों में सेम डेसिमल्स है, यानी कि डेसिमल के बाद की डेसिमल पॉइंट के बाद दो दो डिजिट्स है, तो 0.30 है, 0.30 या फिर जस्ट 0.3 लिखने से हो जाएगी, क्योंकि ये जो जीरो है ना लिखे या ना लिखे वही 0.30 समझ जाएगी, और यहाँ 5 है ना तो 50 ही समझ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जीरो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं भाई, इम्प्लाइज अब f की वैल्यू चाहिए ना, तो f इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5 है। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन बन गई, तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं, इसकी वैल्यू की कोई चेंज नहीं होगी। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है, तो सिर्फ 10 से इंटू करने से यहाँ डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, तो 0.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 है, तो इज इक्वल टू आप देखिए 10 से इंटू कर रही है, तो 10 मतलब 1 के बाद एक जीरो, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में मूव होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो यहाँ आ जाए ना तो 3.0 मतलब वही 3 है, तो 3 बाय नीचे भी 5 है, तो यानी कि 3/5 है। अब ये जो चीज़ है ना इसको आप लिखे या ना लिखे डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते भाई 10 नंबर के सॉल्यूशन।
तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारे रीच और भी बढ़ जाए। और आपके पास और भी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपकी ये जो मैथ्सबुक की न्यू कोर्स है ना, इसके सारे के सारे एक्सरसाइजेस मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।